नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी को वो सीसीटीवी फुटेज दिखाने जा रहा हूं, जिसे देखने के बाद आप सभी को समझ में आ जाएगा कि सुशांत सिंह राजपूत को इतने सातिर तरीके से खत्म किया गया। जी हां, आपको बता दें, सुशांत सिंह राजपूत को खत्म करने के लिए कोई एक अकेला शख्स सुशांत के घर में उस रात इंटर नहीं हुआ था। सुशांत के घर में बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि इंटर हुए थे, और सुशांत सिंह राजपूत को बहुत सातिर तरीके से खत्म करने की साजिशें भी चल रही थी। जी हां, आपको बता दें, सुशांत सिंह राजपूत दोस्तों वैसे तो इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन आज भी सुशांत सिंह राजपूत के फैंस ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि क्या सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिल भी पाएगा। जिन्होंने भी सुशांत सिंह राजपूत को खत्म किया, क्या वो सुशांत सिंह राजपूत के लिए न्याय की लड़ाई लड़ेंगे? क्या वो सुशांत सिंह राजपूत को कभी न्याय दिला पाएंगे? मैं आपको बता दूं, सुशांत सिंह राजपूत के कातिल आज भी आजाद हैं, और इसी वजह से सुशांत सिंह राजपूत के फैंस बहुत ज्यादा परेशान हैं, और वो जानना चाहते हैं कि आखिर कब तक सीबीआई को सफलता मिलेगी सुशांत सिंह राजपूत के मुजरिमों को गिरफ्तार करने में। अब इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है इन दिनों सोशल मीडिया पर, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के घर में कम से कम चार लोग उस रात गए थे जब सुशांत सिंह राजपूत को खत्म करने की साजिश रची गई थी, और उसके बाद फिर सुशांत सिंह राजपूत को खत्म किया गया, और सुशांत सिंह राजपूत को खत्म करने के बाद चारों मुजरिम बेहद ही सातिर तरीके से छत के ऊपर से भाग निकले थे। हालांकि अभी तक इसका पूरी तरह से खुलासा नहीं हो पाया है और इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है उसमें इस तरह के दावे बहुत बार किए जा चुके हैं, और कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत को जिन लोगों ने भी खत्म किया उन्होंने प्रॉपर प्लानिंग बना रखी थी, और इस सीसीटीवी फुटेज को इंटरनेट पर वायरल किया गया है। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि ये सुशांत सिंह राजपूत के घर का है भी या फिर नहीं, लेकिन एक बात साफ है कि सुशांत सिंह राजपूत को बहुत सातिर तरीके से खत्म किया गया है, और जिन लोगों ने भी खत्म किया ऐसा लगता है कि उन्होंने पहले प्लानिंग कर ली थी कि कैसे खत्म करना है, कहां पर से सुशांत सिंह राजपूत के घर में एंट्री लेनी है, किस टाइम पर एंट्री लेनी है, ये सारी बातें पहले से ही क्लियर थी। और तो और उन्होंने ये भी प्लानिंग बना रखी थी कि किस तरह से सुशांत सिंह राजपूत के घर के सीसीटीवी को डैमेज करना है ताकि किसी भी तरह से कोई सबूत ना बच सके, और काफी हद तक ये लोग इसमें कामयाब भी हुए हैं, क्योंकि सीबीआई को लगभग बहुत लंबा अरसा बीत चुका है इस केस में जांच करते हुए, लेकिन फिर भी सीबीआई अभी तक इस केस को सॉल्व नहीं कर पाई है। तो आप सभी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि कितने सातिर तरीके से सुशांत सिंह राजपूत को खत्म किया गया, और फिर सबूतों को भी मिटा दिया गया, और किसी को कानो कान खबर भी नहीं मिली है। तो दोस्तों, जिस तरह से इस केस में सुशांत सिंह राजपूत को खत्म करने के बाद और फिर चाले चली गई हैं, इसी वजह से सीबीआई कंफ्यूज है, और सीबीआई चाहते हुए भी अभी तक इस केस को सॉल्व नहीं कर पा रही है। सीबीआई खुद कंफ्यूज है कि क्या सुशांत सिंह राजपूत को खत्म किया गया या फिर ये सब कुछ खुद सुशांत सिंह राजपूत ने किया है। अब आप खुद सोचिए कि सीबीआई जैसी बड़ी जांच एजेंसी को इन मुजरिमों ने कंफ्यूज कर रख दिया है, तो ये बातें कितनी बड़ी होंगी, और कितने सातिर तरीके से सुशांत सिंह राजपूत को खत्म किया गया होगा, और हो सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत के बेहद ही करीबी लोग भी शायद इसमें मुजरिमों का साथ दिए होंगे सबूतों को मिटाने में, इसी वजह से अभी तक सुशांत का केस सॉल्व नहीं हो पाया है। तो यही था वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।